आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। कोलकाता में डॉक्टर पर हुए हमले के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अपील पर आज झारखंड के निजी सरकारी अस्पतालों के करीब 12,000 डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। यही नहीं, पूरे देश से डॉक्टर हड़ताल पर हैं। ओपीडी और अन्य सेवाएं अगले 24 घंटे तक बाधित रहेंगी। हालांकि इस दौरान आपातकाल सेवाओं का लाभ मरीज उठा सकते हैं, इसे आज होने वाले हड़ताल से अलग रखा गया है। खबर है कि हड़ताल के दौरान डॉक्टर अस्पताल आएंगे, लेकिन वे मरीजों का इलाज नहीं करेंगे। बिहार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल जूनियर डॉक्टर भी आज के दिन हड़ताल पर हैं। पटना के सभी बड़े अस्पताल जैसे एम्स, पीएमसीएच, एनकेएमसीएच और एनएमसीएच, एसकेएमसीएच और डीएमसीएच समेत राज्य के 9 मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी सेवाएं बाधित होंगी, लेकिन इन अस्पतालों में आपातकाल सेवाएं बाधित न करने की गुजारिश की गई है। बताया जा रहा है कि यह हड़ताल कोलकाता के NRA मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर परिभा मुखर्जी के ऊपर हुए हमले के विरोध में किया जा रहा है। पटना के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हमलावर लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। जूनियर डॉक्टरों की मांग है कि मेडिकल प्रैक्टिसर एक्ट के तहत डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। डॉक्टर को जिन लोगों ने पिटाई की है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें, कोलकाता के नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बीते सोमवार को रात एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टरों की पिटाई शुरू कर दी थी, जिसमें एक डॉक्टर परिभा मुखर्जी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिनकी हालत आज भी नाजुक है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।